नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा जो 12वीं कक्षा की जो है डेट शीट जारी की गई है अप्रैल 2021 में होने वाले एग्ज़ाम की, इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो पर एंड तक बन रही है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देने वाला हूं कि पहले जो है प्लस टू और टेंथ के एग्ज़ाम जो थे बोर्ड के जो मई में होने वाले थे, लेकिन वो टेंटिव डेट शीट थी। अब जो है अप्रैल में जो है ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो प्लस टू के एग्ज़ाम जो है 13 अप्रैल 2021 से जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा जो है कि टेंटिव डेट शीट फॉर सीनियर सेकेंडरी प्लस टू क्लास रेगुलर एंड स्टेट ओपन SOS एनुअल एग्जामिनेशन 13 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होंगे। तो ऑल रेगुलर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एडिशनल सब्जेक्ट इवनिंग सेशन 1:45 से 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा। फॉर फाइन आर्ट्स पेंटिंग ग्राफिक्स अप्लाइड आर्ट्स 1:45 टू 3 बजे तक होगा। और ऑल स्टेट ओपन स्कूल SOS कैंडिडेट इवनिंग सेशन 1:45 से 5 बजे तक इनके भी एग्ज़ाम होंगे। तो 13/4/2021 को ट्यूसडे को फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश का होगा 1:45 टू 5 बजे तक, SOS का भी इंग्लिश का ही होगा। 16/4/2021 को फ्राइडे को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, और 17/4/2021 को सैटरडे को संस्कृत का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 19/4/2021 को मंडे को जो है हिंदी का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो है 20/4/2021 को ट्यूसडे को जो है वो फिलॉसफी फ्रेंच उर्दू का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 22/4/2021 को जो है वो थर्सडे को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, और 23/4/2021 को फ्राइडे को साइकोलॉजी का एग्ज़ाम होगा। इस दिन जो है SOS का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 24/4/2021 को सैटरडे को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा, और 26/4/2021 को मंडे को सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम होगा, और 27/4/2021 को ट्यूसडे को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा, 28/4/2021 को वेडनेसडे को डांस फाइन आर्ट्स का जो है एग्ज़ाम होगा। इस दिन SOS का कोई एग्ज़ाम नहीं है। 29/4/2021 को थर्सडे को जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम होगा। 30/4/2021 को जो है फ्राइडे को म्यूज़िक और हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल का एग्ज़ाम जो है होगा। इस दिन जो है वो SOS का जो है वो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 1/5/2021 को सैटरडे को जियोग्राफी का एग्ज़ाम होगा। 3/5/2021 को मंडे को बायोलॉजी और अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होगा। 4/5/2021 को ट्यूसडे को मंगलवार को जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का एग्ज़ाम होगा। इस दिन SOS का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 5/5/2021 को वेडनेसडे को हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, और 6/5/2021 को थर्सडे को जो भी आपके जो ऑटोमोबाइल हेल्थ केयर फिजिकल साइंस रिटेल या कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होगा इसमें से उसका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। उसके बाद 7/5/2021 को फ्राइडे को कंप्यूटर साइंस IP फिजिकल एजुकेशन योगा इनका एग्ज़ाम होगा, और SOS का कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन का ही होगा SOS का। और उसके बाद 8/5/2021 को सैटरडे को जो है ह्यूमन इकोलॉजी फैमिली साइंस होम साइंस जो है वो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 10/5/2021 को मंडे को लास्ट एग्ज़ाम होगा बिजनेस स्टडी एंड फिजिक्स का। तो इस प्रकार ये डेट शीट रहेगी आपकी। तो ये आपको HP बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी प्लस टू की डेट शीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक अंकित वर्मा ऑल HP नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।